ये कितने सारे बकरियां हैं। खत्म, पेट्रोल खत्म, देखते हैं कितना। चलो मैं अभी निकल चुका हूँ घर से, तो अभी मेरे फ्रेंड के पास जाना है, वो कोमपली में रहता है। चलो उसे पिकअप करते, उसे पिकअप करके वहाँ से चलते हैं हमारे राइट पे, और एक बार मैप्स भी एक बार लोकेशन ऑन करके देख लेते हैं कि कैसा है, मतलब कौन से रूट से जाना है हमें। अभी फ़िलहाल मैं मल्काजगिरी में हूँ, लेट्स गो टू कोमपली, फ्रेंड को पिकअप करते हैं फिर वहाँ से निकलते हैं। तो चलो मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में। एक्चुअली क्या हुआ था, मैं लाइक 3:30 बजे मैं ऑफिस से आ गया था, लेकिन टॉप बॉक्स का जो चाबी रहता है ना, वो चाबी नहीं मिल रही थी मुझे, तो उसके वास्ते इतना ढूंढ रहा था, ढूंढ के लेट हो गया। तो आखिरकार अभी चाबी मिली, तो अभी मैं निकला हूँ। टाइम ऑलमोस्ट 6 बज चुके, लेट हो चुके राइड के लिए। कोई बात नहीं, बीच में जर्नी में कवर कर लेंगे। चलो मैं आपको मिलता हूँ आगे, जैसे मेरे फ्रेंड को पिकअप करते हैं फिर वहाँ से हम निकलते हैं। भाई साहब कितनी ठंडी है यार, अभी तो बस 6 बजे इतनी ठंडी है, सब वॉकिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, और मैं राइड पे जा रहा हूँ। यार इसका आवाज़ बहुत आ रहा है, बहुत वाइब्रेट हो रहा है ये विंडशील्ड एक्सटेंडर। कंसंट्रेशन यार ड्राइविंग पे कम, और जैसे ही उसका आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है वाइब्रेशन का, तो उसके ऊपर चले जा रहे हैं। फिलहाल एयर से सेंटर तक आया हूँ, तो ग्लव्स नहीं पहने मैंने, हाथ नम हो चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स बहुत लेट हो चुके हैं, बहुत लेट हो चुके हैं। अभी ये हमारा फर्स्ट फ्यूल अप है, तो यहाँ पे हम फुल टैंक करवा लेंगे, तो यहाँ से अभी नॉन स्टॉप निकल जाएंगे 100 या 150 या 200 जितना हो सके उतने किलोमीटर। उसके बाद फिर कहीं रोक के नाश्ता कर लेंगे। फुल टैंक 1 मिनट रुको, फुल हो गया तो फर्स्ट फ्यूल अप हो गया फ्रेंड्स। थैंक यू, हंड्रेड या 150 किलोमीटर ये मेरा फ्रेंड चेतनिया, चेतनिया से आई, तो अभी नाश्ता करते हैं, मैं आपको मिलता हूँ फिर बाइक पे।
टोल प्लाजा क्रॉस हो चुके हैं। सेकेंड टोल टोल गेट क्रॉस। मैंने ग्लव्स निकाल दिए, हाथ दर्द दे रहे थे और ग्लव्स से। सारे बकरिया हैं, से 100 किलोमीटर कुछ बता रहा है, मतलब ऑलमोस्ट कड़पा क्रॉस होके थोड़ा आगे आ गए। लाइक तिरुपति के जो रास्ता रहता है वे में वो वे में है अभी। आई थिंक आई गेस 1 आवर या 1.5 आवर में हम चले जाएंगे तिरुपति को। ऑलमोस्ट तिरुपति के पास आ गया हूँ। ये देखिए पहाड़ा, देखिए आपको दिख रहा है आगे
चक्कर से हिमालयन फुल टैंक में कितना देती है, मतलब फुल टैंक में कितने किलोमीटर देती है। ऑन एन एवरेज 100 स्पीड पे आ रहे थे, मतलब 100 स्पीड ही मेंटेन कर रहा था मैं हाईवे पर पूरा, 100 110 100 110। तो बाइक रुक गई है अभी, कितना किलोमीटर हो गया मैं आपको चेक करके बताऊँगा। बाइक रुक गई, लेट्स सी फुल टैंक में हिमालयन ने कितना माइलेज। फिर से एक बार स्टार्ट करके देखता हूँ, नहीं हो रही स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट अगेन, नहीं, खत्म, पेट्रोल खत्म, देखते हैं कितना। सो ये देखिए 425 किलोमीटर्स दिया है बाइक ने फुल टैंक में, कम ही देगी क्योंकि हम स्पीड जो है इतना ज़्यादा मेंटेन कर रहे थे। मैंने इसके अंदर स्पेयर पेट्रोल लेके रख लिया था, ये जेरी कैन में 5 लीटर्स एक्स्ट्रा स्पेयर, तो ये वाला पेट्रोल अब इसमें डाल के हम जाएंगे आगे, ठीक है। ये पेट्रोल अभी इसके अंदर डालेंगे, टाइम अभी बस 6 हो रहा है, 6 बजे हम ऑलमोस्ट आ चुके हैं। सुबह हम 8 बजे निकले यार लिटरली घर के पास से, फिर एक फ्रेंड के वास्ते वेट करके हम ऑलमोस्ट 9 बजे घर के पास से निकले हम, बहुत लेट हो गया है, पहली बार इतना लेट हुआ हूँ मैं राइड पे। कोई बात नहीं, लेकिन जल्दी आ गए, अभी तो बस 6 बज रहे हैं। मैं सोचा था 11-12 बजेंगे हमें तिरुपति गए जब तक, लेकिन नहीं, नॉन स्टॉप मैंने 100 110 100 110 का स्पीड मेंटेन किया, लाइक 150 किलोमीटर नॉन स्टॉप मार दिया एक बार, फिर छोटा सा ब्रेक लेके फिर 170 किलोमीटर, ऐसे 3-4 ब्रेक लेके जल्दी जल्दी हमने किलोमीटर्स कंप्लीट कर दिया। इट्स लीकिंग, पेट्रोल लीक हो रहा है तेरे क्या। ओ भाई क्या आवाज़ है, वो मेरा फ्रेंड जुगाड़ कर रहा है जेरिकैन का पेट्रोल इसके अंदर डालने के लिए, पहली बार है ना, पहली बार है तो मुझे भी नहीं पता कि जेरिकैन कैसे यूज करते हैं पेट्रोल टैंक के अंदर पेट्रोल डालने के लिए। तो ये ट्राई कर रहा है, लेट्स सी होगा कि नहीं। वाओ वर्किंग, लीक आई तुम इनका लीक आई तुम पेट्रोल मस्त आई तुम चेतड़ रबर अंत मैं रबर अंत वस्तु అంటే డైరెక్ట్ వైనికి వస్తలే డైరెక్ట్ వైనికి వస్తలే డైరెక్ట్ పోతే కింద పడుతుంది మొత్తం అవునా ఆ రబ్బర్ అంతే ఉంది ఏదో కింద పడుతుంది జెరీ క్యాన్ పెట్రోల్ యార్ లీక్ హో రాయ పెట్రోల్ డాల్ రే తో ఈ లోక్ దేఖియే అబ్ వావ్ యార్ వ్యూ దేఖియే పిచ్చే కిత్తా మస్త్ హై పహాడా ले। अभी लीक नहीं हो रहा यार, मेरे फ्रेंड ने जुगाड़ कर दिया फाइनली थोड़ा। फ्रेंड यहाँ पे थोड़ा पेट्रोल दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, पहली बार है, अगली बार आदत हो जाएगी। तो
मैं आपको मिलता हूँ फ्रेंड्स आगे। नाइट डिनर एट तिरुपति। मेरा फ्रेंड खाने में बिजी है, परोठा और ये पनीर खा रहे हैं। हम दर्शन अभी नहीं हुए तो कल सुबह करेंगे दर्शन। हम तो सुबह दर्शन करेंगे, अभी बहुत थके हैं यार, बस रूम में जाके सोना है। अभी मेरा आँखें देखिए कितने लाल हो चुके हैं, बस अभी ना यहाँ पे डिनर करके उस रूम में जाके सोना है, बस उतना ही। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने टिकट ले लिया, और अभी सीन क्या है बोले तो ये दो टिकट्स मेरा और मेरा फ्रेंड का, तो हम तो सीन क्या है, हम बाइक पे नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं ऐसे ही कार में। वहाँ पे दर्शन के लिए कितना टाइम लगेगा हमें नहीं पता, और बाइक्स को भी फॉग लाइट्स वो सब इंस्टॉल करवा चुका है, मतलब सेफ नहीं रहेगा वहाँ पे। कितना टाइम लग सकता है, 4 hours, 5 hours, 6 hours जितना भी रहने दो। तो मैंने बाइक रूम के पास ही रख दिया, और यहाँ से नीचे से हम कार में जा रहे हैं, फिर आते टाइम भी ऐसे कार में आ जाएंगे, फिर आए बाद फिर बाइक लेके यहाँ से दूसरे जगह जा भी जाना है, लेट्स डिसाइड। तो अभी तो कार में जा रहे हैं, टिकट ले लिए, टिकट मैंने आपको बता दिया, तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा दर्शन में, दर्शन करने के लिए। तो फ़ोन अभी जाके वहाँ पे ऊपर लॉक करने भी रखना है, एक टिकट में एक लड्डू फ्री करना है, एक टिकट पे एक लड्डू फ्री। तो अभी जाएंगे ऊपर, पहाड़ चढ़ते टाइम पे मैं आपको यहाँ का व्यू बताता हूँ। देखिए यहाँ के कर्व्स देखिए, बहुत लॉन्ग है यार। कल हम रात में आए थे यहाँ पे, और सीन क्या हुआ बोले तो 9 o'clock के अंदर हम ऊपर आ गए पहाड़ पे, लेकिन हमें ऊपर गवर्नमेंट के रूम्स रहते हैं वो हमें नहीं मिले, मतलब वो 9 o'clock के अंदर ही क्लोज हो जाते, तो हम 9 के बाद ऊपर गए थे। तो इसीलिए फिर हमें वहाँ पर सोने के लिए भी जगह नहीं है, फिर हम क्या करें, नीचे भी नहीं भेज रहे थे यहाँ के लोग, 10 o'clock के बाद नीचे भेजना इट्स नॉट सेफ करते, मतलब यहाँ का जो जंगल है बाहर
टाइगर्स वो सब आते तो नहीं बेचे, तो हमने उन्हें रिक्वेस्ट करके हम ऊपर से फिर नीचे आए 15 या कितने किलोमीटर से आते हैं 15 किलोमीटर्स का कुछ पहाड़ है वो। फिर नीचे आके नीचे रूम लेके जब हम अच्छे से रेस्ट लिए, अभी हम मॉर्निंग स्टार्ट हुए दर्शन के लिए। अगर इन केस अगर ये नहीं होता था तो वहाँ पे हमें बाइक कहीं पार्क करके लॉकर्स में टॉप बॉक्स जेरी कैंस फोन जो भी है लॉकर में रख के हमें वहाँ पे ही कहीं रात गुजारना होता, तो वो मेरे लिए इम्पॉसिबल है। ऑलरेडी इतना दूर से बाइक चला के आए तो इट्स नहीं होता था मुझसे, तो हमने उन्हें रिक्वेस्ट करके हम नीचे आए, फिर रूम लिए, अच्छे से सोए, अभी निकल रहे। तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है दर्शन करके नीचे वापस आने में। तो अभी फ़ोन जाके लॉकर में लगाना है, क्या क्या है देखेंगे। मैं आपको मिलता हूँ आगे। तो हमें यहाँ पे पीछे उतार दिए चेकअप पे करते, आगे जाके चेकअप करना हमारा, चेकिंग करते। ये पूरे कार्स पीछे यहाँ पे सब रुके हुए हैं चेकिंग के लिए। जैसे ही चेकिंग हो जाएगा फिर हमारा ड्राइवर अंकल हमें आगे मिलेगा। लेट्स गो, चलते हैं चेकिंग कराते हैं। चेकिंग हो गया है हमारा, वेट कर रहे हैं कार के लिए। जैसे ही कार आ जाएगा कार में बैठ के चले जाएंगे। और यहाँ के पहाड़ देखो, मैं आपको पहाड़ बताता हूँ। ये देखिए यहाँ के पहाड़, कार से आप से आ रहे हैं, वहाँ से बैक चलिए। तो यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं अभी हम। ऊपर आ चुके हैं अभी हम। फ्रेंड्स फाइनली अभी हम ऊपर आ चुके हैं मंदिर के पास, तो अभी हमें जाना है दर्शन करने। तो यहाँ पे देखिए हम आए थे इस कार में, बहुत ठंडी है, फॉग फॉग है। चलो दर्शन करने, स्ट्रेट लेफ्ट कर, वीडियो लगाए सबसे। तो जल्दी से अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट करके फिर यहाँ से दर्शन के लिए निकलते हैं। ठीक है, चलो मैं आपको मिलता हूँ।
तो हम ब्रेकफास्ट करने आए हैं। हमारा ब्रेकफास्ट आ गया, गरम गरम इडली। तो अब जल्दी से खाते हैं और दर्शन के लिए निकलते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक दर्शन नहीं हुए। वो जो हमने टोकन लिया है आधार कार्ड का, तो 12 o'clock ओपन होता है कहते लाइन, तो 12 o'clock का हमें वेट करना है। अभी टाइम 9 हो रहा है और 9 o'clock यहाँ पे, ये देखिए पीछे लोकेशन देखिए, कितना फॉग फॉग है, पूरा फॉग। 9 बजे और यहाँ पे पूरा फॉग से क्या बोलते हैं, पूरा झाड़ा वो सब ढके हुए। ठंड लग रही है, छोटे लाइक धीरे धीरे बारिश भी हो रही है। हाँ हाँ, ठंड लग रही है। तो अभी बस हमें वेट करना है, जैसे ही वो लाइन ओपन होगा उसके बाद कितना टाइम लगेगा दर्शन में नहीं पता। हम एक्चुअली स्टेप्स के ऊपर से दर्शन कर, मतलब स्टेप्स चढ़ के दर्शन करेंगे सोचे थे, लेकिन वो कार वाले ने हमें ठीक से बताया नहीं, सीधा ऊपर लेके आ गया हमें। तो अभी हमें कोई ऑप्शन नहीं है, हमें ये जो आधार कार्ड का जो लाइन है वो गेट्स ओपन हुए जब तक हमें बस वेट करना है, उसके बाद देखेंगे कितना टाइम लगेगा। देखिए पीछे वेदर देखिए, कितना फॉग फॉग हो चुका है। फॉग देखिए कितना है। फ्रेंड्स, फॉग देखिए कितना ज़्यादा फॉग है यार, मुँह पड़े तो मुँह से धुआं निकल रहा है, इतना फॉग है। और इतनी ठंड लग रही है यहाँ पे, ये सब लोग वेट कर रहे हैं जैसे ही गेट ओपन होगा। सबके अलग अलग गेट्स है यहाँ पे, अलग अलग कोडिंग टाइप, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ATGS करके सब ऐसा कुछ। तो अपन का गेट ओपन करे सब लोग, कैसे भाग रहे थे बोले तो पापा, धकल के भाग रहे थे सब लोग। कितना फॉग है देखिए, कुछ दिख नहीं रहा है ठीक से। वो देखिए पीछे बिल्डिंग देखिए, पूरा फॉग से ढक चुका है। और यहाँ पे है ज्योति, वो बिल्डिंग देखिए, कुछ दिख रहा है आपको? टेंपल एकदम यहाँ पे बाजू में ही है, मैं आपको टेंपल बताता हूँ एक मिनट। तो फ्रेंड्स, ये देखिए सामने मंदिर है, फॉग से ढक चुका है, ठीक से दिख नहीं रहा है। तो एकदम मंदिर के बाजू में वहाँ पे, और यहाँ पे पीछे ज्योतिर्लिंग। मंदिर तो पूरा ढक चुका है, तो दर्शन हमारे आपको बताऊंगा, रुको कितना देर में हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दर्शन पूरे हो चुके हैं। कितना देर हुआ दर्शन में, 10 o'clock, नहीं 9:40 को कुछ हम अंदर गए थे लाइन में, और 1:30 को बाहर आ चुके हैं। 7:21, 3.5 hours में हमारे दर्शन हो चुके हैं। ये पीछे देखिए फॉग, कितना फॉग है देखिए पीछे। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर, सीधा जाके थोड़ा खाते हैं, भूख लग रही है। उसके बाद सीधा नीचे रूम को जाके बाइक लेके सीधा निकलना है यहाँ से,
प्लेस बोलता हूँ कहाँ जा रहे जीप में बैठे सफारी जीप जीप देखो परे देखो ये पूरे कहते हैं चमका चमके चमकी जीप में नीचे जाना बारिश गिर रही है कैसे लेके जाता है केक अभी अभी व्यू देखो खाली मस्त रहता व्यू पूरा फॉग फॉग है बारिश लाइट लाइट गिर रही है रोड़ा पूरे गिले है अभी ये रोडों पे से नीचे उतरना है मतलब इतनी कर्व्स नहीं 62 कर्व्स 62 टर्न्स लाइक कर्व्स डेंजर कर्व्स रहते थे पहाड़ से नीचे उतरते थे शार्प कर्व्स चीप से अभी जा रहे नीचे उतरते हैं देखेंगे कैसे चलाते हैं ड्राइवर एक्सपोर्ट जाके उनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस रहता है ड्राइवर है हमारे हमारे क्लीनर है क्लीनर नहीं हूँ ये गाड़ी के अंदर हैंड ब्रेक आए मालूम नहीं हो रहा हैंड ब्रेक आ रहे थे कि बताता हूँ देखो तो फ्रेंड्स ये है वो जीप जिसे हैंड ब्रेक नहीं रहता था इसको पीछे बस गियर में रोकना जीप ही तो यहाँ पे पूरे यही जीप से मतलब पहाड़ के ऊपर नीचे चलते रहते नीचे से ऊपर ले गया तो ऊपर से नीचे ले गया फाइनली पहाड़ से नीचे आ गए अभी अभी ये जीप है तो अभी जा रहे हैं रूम पर तो ये देखिए रूम्स के पास आ चुके हैं ये हमारी बाइक पार्क है यहाँ पे तो ये हम इसके अंदर रूम लिए थे ये हमारी बाइक यहाँ पे है तो मैं आपको ऊपर रूम बताता हूँ कैसा रूम था ओके ठीक ठाक था ले सकते हैं एक दिन के लिए स्टे कर सकते हैं तो ये देखिए ये पेंट हाउस मिला था हमें 800 में 800 रुपए में और ये देखिए ये वाला अंदर डोर खोलते कि व्यू पहाड़ का कितना मस्त दिख रहा है देखिए पहाड़ रूम बताता हूँ उतना खास नहीं है फिर भी एक दिन के लिए स्टे कर सकते हैं नॉर्मल है रूम ये देखिए दो तीन जन आराम से सो सकते हैं ये हमारा टॉप बॉक्स जैसे नहीं है ये बाजू में मेन रोड है वो साइड मंदिर है ऐसे मंदिर से नीचे आए कि
या फिर में रूम्स नीचे। से निकलते तिरुपति का दर्शन हो गए कंप्लीट।